इस बार कमाल हो गया, सुनते ही आपकी आंखें खुल जाएंगी। एक खचाखच भरे हुए हॉल में एक गोली चली, किसी ने भी गोली चलने की आवाज नहीं सुनी। वैसे ही काफी हल्ला हो रहा था, एक रॉक बैंड का प्रोग्राम चल रहा था, म्यूजिक जोरों शोरों से चल रहा था। जैसे ही गाना खत्म हुआ एक गोली चली, गोली किसने चलाई, कब चलाई, पता ही नहीं चला लोगों को। उन लोगों ने सिर्फ इतना देखा कि स्टेज के ऊपर एक लड़की धड़ाम से नीचे गिर गई। देखते ही देखते हॉल खाली हो गया, लोग भाग गए और साथ में भागा वो खूनी भी। लाश को देखने के बाद हमारे डॉक्टर सालुंखे ने एक डायग्राम बनाया, एक चार्ट। उसमें उन्होंने दिखाया कि गोली किस तरफ से चली। अब वहां हॉल में इतने सारे लोग बैठे थे, उनको पता भी नहीं चला कि गोली कब चली, और हमारे डॉक्टर साहब ये बता सके कि गोली किस तरफ से चली। अब अगर हॉल में 500 लोग हैं तो ज्यादातर लोग तो बच गए, मतलब गोली उन लोगों ने नहीं चलाई थी। अब कुछ लोग बचे थे, करीब 100 लोग, जो उस तरफ बैठे थे जिस तरफ डॉक्टर सालुंखे ने बताया था। तो हम लोगों ने, कहते हैं ना, हल्लू हल्लू करके ढूंढ ही निकाला उसे, है ना कमाल की बात। व्हाट अ फैंटास्टिक डिटेक्शन। आप भी देख लीजिए कि हमने उस खूनी को कैसे पकड़ा, और वो खूनी था कौन। यार मनोज, जब से हम आए तब से कोई कुछ बोल नहीं रहा, बात क्या है? मैं कुछ सोच रहा हूँ यार, लड़की के बारे में। मैं एक प्लान बना रहा हूँ। प्लान? कैसा प्लान? शर्त लगा बताता हूँ। शर्त? कैसी शर्त? ये जो डरीवाना रॉक बैंड है, आज इनका शो होने वाला है, और मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ कि इन लोगों का ये शो आज रात को पूरा होगा ही नहीं। यार तुम अभी तक डरीवाना के बारे में क्या सोच रहे हो? यार तुम लोग शर्त तो लगाओ, 1 लाख। 1 लाख की? तू पागल तो नहीं हो गया मनोज? मुझे मालूम है ये शर्त मैं ही जीतूंगा, तुम लोग शर्त तो लगाओ यार, आज रात को कुछ होने वाला। हेलो रॉक लवर्स, इट्स गुड टू बी बैक ऑन स्टेज आफ्टर 1 ईयर। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैंने और मिलीना ने शादी के कपड़े क्यों पहने हैं, राइट? वो इसलिए क्योंकि हम दोनों ने कॉन्सर्ट से पहले शादी कर ली है। आज मेरे और जोश के लिए जिंदगी का सबसे अहम दिन है, और मैं ये लम्हा कभी नहीं भूलूंगी, और ये शो मेरी जिंदगी का सबसे यादगार पल बनकर रहेगा। वेल, आप लोगों का ज्यादा वक्त ना लेते हुए हम पेश करते हैं तेरा वाना। तो गोली लगी है मिली ना। क्या हुआ, क्या हुआ? अरे ये सब हो क्या रहा है? ओह माय गॉड, इसको तो गोली लगी। मिली ना, अरे हम लोग किधर भाग रहे हैं? सारे दरवाजे बंद करो, मेन गेट को। जान, जल्दी से मिली ना को अस्पताल लेके चलते। तुम फिक्र मत करो मिली ना, तुम्हें कुछ नहीं होगा, चलो। मिली ना, मिली ना, मिली ना। पर उनके क्या हुआ, कोई नई चीज दिखाने वाला है? ओए, मुंह पे ताला क्यों लगा हुआ है? अरे पर ये है कौन? क्या मालूम? अरे क्या मालूम, तुम्हारी लैब में खड़ा, और तुम कह रहे हो तुम्हें मालूम नहीं? नहीं, मुझे लगा तुमने भेजा है इसे यहां। जब से आया है गूंगे लाल की तरह से खड़ा हुआ है, ना कुछ बोलता है ना कुछ पूछता है, चुपचाप बाहर जाता है फिर अंदर आ जाता है। अरे पर है कौन, भगाओ इसे यहाँ से, लैब में इतने सारे सीक्रेट छुपे हुए हैं, ये सब देख लेगा। तुम भगाओ ना। ए यू, कहाँ से आए? अरे
गूंगा है क्या? है? सर, दो दिन हो गए मैं भी पूछ पूछ कर थक गई हूँ। मुझे लगा शायद एसीपी सर ने तालू के सर की छुट्टी करने के लिए इन्हें भेजा है। इसे तो मैं देखता हूँ। ए, मेरे बारे में सुना है ना तू? हाँ? बहरा भी है क्या तू? हाँ? ये संके पढ़ लिया? मगर ये है क्या? हेडक्वार्टर्स ने भेजा इसे क्यों? तुम्हारे ऊपर और मेरे ऊपर निगाह रखने के लिए। इसमें लिखा है सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए। अरे ऐसी बात है तो इस गूंगे को क्यों भेजा यहाँ पे? गूंगा नहीं है, गले में कुछ फंसा हुआ है। इसका गला तो मैं साफ करूंगा। ओए, जल्दी से जल्दी दफा हो जाओ यहां से। किसी भी प्रद्युमन है क्या? लड़की को गोली मारी है? कहां पे? क्या तुम में से किसी ने भी नहीं देखा गोली कहां से चली? क्यों, किसी ने भी नहीं? नहीं सर, मिलीना ने मेरी बाहों में दम तोड़ दिया और मैं कुछ भी नहीं कर पाया, कुछ भी नहीं। अपने आप को संभालो जोश, होनी को कौन डर सकता है। आज ही हमारी शादी हुई और आज ही ये सब। I'm sorry, मैं आपका दुख समझ सकता हूँ। सर, मिलीना को गोली लगने के बाद ऑडिटोरियम में अफरा तफरी मच गई थी। इसी अफरा तफरी में कुछ लोग ऑडिटोरियम से बाहर निकल गए। क्या सर, हमारे गार्ड्स ने तो मेन गेट को बंद करने की भी कोशिश की थी मगर भीड़ उन्हें धक्का देके बाहर निकल गई। तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से शायद खूनी भाग गया? तुमने लोगों को जाने दिया? माफ कीजिए सर, हमने तो सिचुएशन को काबू में करने की। ठीक है विवेक। सर देखो, इनमें से कोई भी बाहर जाने न पाए, कोई भी बाहर नहीं जाएगा यहाँ से। इन सब के हाथ चेक करो, देखो गन पाउडर के कोई निशान मिलते हैं क्या। और इस ऑडिटोरियम को अच्छी तरह से छान मारो। गोली शायद सामने से लगी। गोली तो भीड़ में से ही चली है। लगता है कुछ ऐसे ही है सर। विवेक, कुछ पता चल रहा है? नहीं सर, इनमें से किसी के हाथों में बारूद के निशान नहीं है। फ्रेडरिक्स, कुछ मिला? सर, पूरा ऑडिटोरियम छान मारा सर, कुछ भी नहीं मिला। इसका मतलब है खूनी भाग गया था। सर सर सर, एक मिनट सर। क्या? सर, मिलीना जब स्टेज पर झुक रही थी ना सर, मैंने उसका फोटो निकाला सर। फोटो निकाला? हाँ सर, अपने मोबाइल से। दिखाओ सर। खेलिए सर। Fantastic. बहुत काम की चीज है दया। MMS भेज दो दया को। आज कुछ लिख नहीं रहा है, लगता है जाने वाला है। ये लो, शायद तुम्हारे बारे में ही लिख रहा है। अरे छोड़ो यार, उस बेचारे को अपना काम करने दो। आप लोग ये देखो, ऑडिटोरियम में जब गोली चली, ये एक्सरे देखो। मिलीना को जब गोली लगी तो यहां आकर के बैठी रीढ़ की हड्डी के पास। ये गोली घुसी कहां से थी? पेट में? सर, पेट के साइड में से थी। यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं बॉस, कि गोली चली साइड में से और आकर के छिपी ये रीढ़ की हड्डी के पास। इसका मतलब हम लोग ये अंदाजा लगा सकते हैं कि गोली चलाते वक्त वो आदमी कहां बैठा हुआ था। You are a genius. बॉस,
मैं तो यही कसम खा करके जी रहा हूं कि एक भी क्रिमिनल को चैन से घूमने नहीं दूंगा। जी हाँ, अरे क्रिमिनल क्या समझता है, वो खून करके कहीं भी जाकर के छिप जाएगा। नो, मैं आपको ये तक ढूंढ के बताऊंगा कि वो लंगूर कहां बैठा हुआ था। बताएगा? बिल्कुल, बस आप लोग थोड़ी सी मदद कर दें तो। यार ये हो क्या रहा है? तुम हमें काम करने दोगे या नहीं? अरे क्या थोड़ो दे? ये अभी लिख देगा डायरी में। हाँ लिखने दो। सर आप कह रहे थे कि अगर हम आपकी थोड़ी मदद करें तो आप बता सकते हैं गोली चलाने वाला कहाँ बैठा? हाँ दे। सर ये देखिए, ये एक फोटो है, शायद आपके कुछ काम की हो। ये एक लड़के ने अपने मोबाइल से खींची थी जब मिलीना वगैरह गाना खत्म करने के बाद ऑडियंस के सामने छुप रही थी। देखे, अरे यार ये फोटो गोली लगने से कुछ देर पहले की। हाँ? अरे बॉस काम बन गया। इसका मतलब मलीना को जब गोली लगी तो ऑडियंस की तरफ मुंह करके खड़ी थी है? और मलीना को गोली लगी है पेट के साइड में, तो इसका मतलब है गोली चलाने वाला ऑडिटोरियम के बीच में नहीं बल्कि साइड की तरफ बैठा था। अरे यार तुम काम करने दोगे या नहीं? या तो मेरी गोद में आके बैठ जाओ या दफा हो जाओ यहां से। सर चले गए। सर आपको पहले से इस तरह से बात करनी चाहिए थी, एकदम रॉब से। सारे गांव डॉक्टर सालूके की आवाज से अच्छे अच्छों की पैंट गीली हो जाती है। अरे लीजिए आ गए पैंट सुखा के। सर वो आप बताने वाले थे ना कि मारने वाला कहाँ बैठा था? हाँ यस यस, देखो मुझे आइडिया था कि ऐसा कुछ होने वाला है, इसलिए तिकड़म लगा के मैंने पहले से ये बना के रखा। ये देखो, जब गोली चली ये लोग इस तरह से खड़े थे ऑडियंस की तरफ फेस करके, और गोली लगी बॉस यहाँ साइड में ऐसे। इसका मतलब ये है कि गोली इन सीट में से किसी ने चलाई है। मतलब A12, B11, C10, G9 और E8, इनमें जो लोग बैठे थे उनमें से किसी का काम है ये। बिल्कुल। ऑडिटोरियम में फिर से चलते, देखते हैं इन सीटों पर कौन कौन बैठा था। पर सर आप उन लोगों को ढूंढने के कहाँ? अब तक तो सारे के सारे न जाने इंडिया के किस कोने में जाके छुप के बैठे होंगे। तारिका, वो लोग चाहे जमीन के नीचे क्यों ना छुप कर बैठे हो, कहीं से भी खोद कर निकाल कर ले आऊंगा मैं उन्हें। दया, सालूखे ने बताया कि गोली ऑडिटोरियम की राइट साइड से मतलब दाहिने तरफ से चली, तो अब हमें वैसा ही माहौल दोबारा यहाँ क्रिएट करना पड़ेगा जब ये मिलीना यहाँ खड़ी थी। जिस वक्त गोली चली तब मिलीना यहाँ खड़ी और गोली शायद वहां से ऑडिटोरियम के दाहिने तरफ से चली है ना। प्रिडिक्स, जा करो पुतला और रस्सी लेकर आओ जल्दी। चलो चलो फ्रेडरिक जल्दी। सर इसे कहां पे रखो? मेरे सिर पर रखो। अरे मिलीना जा खड़ी थी वहीं रखो, रखो इधर संभाल के, ठीक है? दे सर, तुम ऑडिटोरियम के बिल्कुल दाहिने तरफ कोने में जाकर खड़े हो जाओ, एक्सट्रीम राइट कॉर्नर। यस सर। अब ये रस्सी पुतले की कमर में बांधो और दया के पास देकर आओ। संभालो जरा। अब उस जगह पर बांध दो रस्सी को। यस सर।
आजा। सारुखिया ने हमें बताया था कि गोली सीधी नहीं चली बल्कि ऑडिटोरियम के दाहिने तरफ से चली, इसलिए क्योंकि गोली मिलीना की साइड से पेट में घुसी। अब एक काम करते हैं, फ्रेडरिक्स तुम जाकर ए रो के 12 नंबर सीट पर बैठो। यस सर। विवेक तुम बी रो के 11 नंबर सीट पर बैठो। दया सर। सी रो के 10 नंबर सीट पर बैठो। यस सर। अब देखते हैं उस रात क्या हुआ। जब शो खत्म हुआ तो जॉर्ज मिलीना और उनका ग्रुप ऑडियंस के सामने जब झुके, जैसे ही मिलीना झुकी, जॉर्ज झुका, उसी वक्त दाहिने तरफ से गोली चली जो साइड से आकर मिलीना के पेट में घुसी और मिलीना मर गई। तो तुम्हें क्या लगता है, तुम जहां बैठे हो वहां से किसने गोली चलाई होगी? तो जैसे कि आपने कहा कि मिलीना ने गाना खत्म करने के बाद वो झुकी हुई थी ऑडियंस के सामने, ऑडियंस में लोग खड़े थे सर। अगर मैं यहाँ से गोली चलाना चाहूँ मिलीना पे, तो मुझे बंदूक को सामने जो खड़े हैं उनके सर के ऊपर रख के गोली चलानी पड़ेगी सर, और ऐसा करने में शायद निशाना चूक सकता है या पकड़े जाने का डर है सर। राइट देयर। विवेक तुम्हें क्या लगता है? सर इस सीट से ठीक तरह निशाना लगाने का मौका नहीं मिलता सर। तो इसका मतलब है बच्चा फ्रेडरिक्स, मेरा मतलब है ए रो की 12 नंबर सीट, बिल्कुल सामने वाला रो ए रो और 12 नंबर वाली सीट, जहां से कोई भी आसानी से निशाना लगा सकता है। सर मुझे भी लगता है कि गोली पहले रो से ही चलाई गई है। मुझे भी यही लगता है, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है दया, ए 12 के आसपास बैठने वाले किसी ने भी कुछ सुना नहीं होगा, किसी ने कुछ देखा नहीं होगा। सर ये भी हो सकता है कि खूनी के आसपास बैठने वाला भी मिला हुआ हो उसके साथ। हो सकता है सर। हाँ? शायद गन पे साइलेंसर या मफलर लगाया होगा। मान लिया फ्रेडरिक्स, लेकिन हल्की सी आवाज तो होती है, कोई तो सुन लेता। या फिर सर ये हो सकता है कि खूनी के आसपास बैठने वाले लोग उसके जान पहचान वाले हो। हो सकता है दया, हो सकता है। वो इवेंट मैनेजर कहीं दिखाई नहीं दे रहा, वो हमें बता सकता है कि 11, 12, 13, 14 पर कौन कौन बैठे थे। विवेक वो इवेंट मैनेजर कहाँ है? सो वो अभी कुछ ही देर पहले टिकट बुकिंग काउंटर की तरफ गया है सर। फ्रेडरिक्स विवेक तुम दोनों यही रुको, मैं और दया जाकर इस इवेंट मैनेजर से मिलते हैं। मैनेजर साहब। सर आप लोग, सर मैं तो आपके ऑफिसर से पूछ के, आप चाहे तो। देखो बात नहीं है, बस एक काम है। बोलिए सर। अपना रिकॉर्ड चेक कीजिए। कौन से? वही सीट वाला रिकॉर्ड, आपके पास जो सीट का चार्ट हुआ होता है ना, जिस पर सीटें दिखाई हुई होती है वो। जी। जिस दिन खून हुआ था उस दिन जो आपने सीटें बेची थी वो वाला चार्ट दिखाई है, उस पर रो नंबर ए में 11, 12 और 13 उन सीटों पर कौन कौन बैठा था। माफ कीजिए सर, इसमें तो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है? कैसी प्रॉब्लम? हमारे पास तो सर कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। देखो बहाने मत बनाओ, समझे? भारी पड़ सकता है तुमको। अरे कुछ तो होगा, नाम वाम पता, कुछ तो लिखा हुआ होगा। नहीं सर कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है? आजकल टेररिस्ट अटैक के बाद लोग सिक्योरिटी के बारे में इतनी सावधानी बरतते हैं, और आपने बिना रिकॉर्ड रखे सीटें बेच दी। एक मिनट सर, ये जो सीट्स है ना, ए 11, 12, 13, ये इस काउंटर से नहीं बेची गई। यहाँ से नहीं बेची गई? फिर कहाँ से बेची गई? आपको तो मालूम है सर, हमारे बड़े म्यूजिक स्टोर्स के साथ टाई अप्स है, 20-20 टिकट हम लोगों ने 3-4 दुकानों में रखवा दी थी बेचने के लिए। तो फिर ये सीट नंबर ए 11, 12 और 13 ये कौन से म्यूजिक स्टोर में दिए गए? एक मिनट सर, 11, 12 और 13 रो ए बी, ये सर लारा रा म्यूजिक स्टोर से बेची गई। लारा रा म्यूजिक स्टोर्स? यहाँ सॉरी टर्न जा रही है। कड़ी क्या हुआ? पता नहीं कहाँ वहाँ पर बेहोश हो गए। कड़ी संभाल के, संभाल के। कड़ी फ्रेडी, फ्रेडी सर, फ्रेडी। ये क्या हुआ फ्रेडी? फ्रेडी सर बेहोश हो गए सर। उठा उठा उसे जल्दी। यस सर। विवेक संभाल के, भारी है ये। संभाल के, संभाल। फ्रेडी संभाल के नीचे। बाहर जाके सर। इस तरफ।
मास्क पहनकर वापस अंदर जाकर देखो और देखो बदबू कहां से आ रही है, बदबू का कारण क्या है। बेहोश हुआ तो यही कुछ होना चाहिए आसपास। ये क्या? तो ये बदबू इसी से आ रही है। सांखे, है क्या ये जिसकी वजह से फ्रेडरिक्स बेहोश हो गया? अरे यार वो फ्रेडी है, उसे बेहोश होना था वो बेहोश हो गया। नहीं नहीं सांखे, फिर भी कुछ तो कारण होगा। ये है क्या जहरीली चीज जिसकी वजह से ये सब हुआ? ये चीज है वो, ये सोडियम का टुकड़ा। सोडियम? ये बाहर पड़ा हुआ था जिसकी वजह से फ्रेडी बेहोश हो गया। जी हाँ, वैसे मैंने आज तक अपनी पूरी जिंदगी में कभी ऐसा नहीं सुना कि कोई आदमी सोडियम सूंघने की वजह से बेहोश हो गया। तो फिर ये फ्रेडी कैसे बेहोश हो गया? इतनी जबरदस्त बदबू फैली हुई थी, बदबू की वजह से बेहोश हो गया होगा। वैसे मैं अगर इस सोडियम के टुकड़े को इस सॉल्यूशन से बाहर निकालूं तो आप लोग यहाँ पर खड़े नहीं रह सकते। अच्छा, मगर ये ऑडिटोरियम में आया कहाँ से? सर शायद किसी ने उन लोगों का शो खराब करने के लिए रखा होगा। और बाय चांस पहले ये बदबू नहीं फैली? ये हो सकता है कि खूनी ने ये वहाँ इसलिए रखी हो ताकि भगदड़ मच जाए, लोग भागने भागने लगे और इसी बीच वो गोली चला दे। बड़ा लंबा चौड़ा प्लान बना है। सर, हाँ। सर, को कुछ हो गया है, संभाल के सर। रेडी? क्या हुआ? सालूके साहब, एसीपी साहब ने मुझे जबरदस्ती फंसा दिया है। फ्रेडरिक्स, मैं सालूके नहीं, एसीपी हूँ, एसीपी, एसीपी प्रद्युमन। ये फॉरेंसिक लैब है सर, एसीपी प्रद्युमन यहाँ पे कैसे रह सकते हैं? अरे बॉस, इसकी मशीन को ठीक होने में थोड़ा वक्त लगेगा। एसीपी साहब, मैंने भी यही सोचा। अरे यार, इसका तो स्क्रू ही गिर गया है। ए विवेक, तू हंस क्यों रहा है? मैंने? दया सर, मैंने सिर्फ वो वाला पेपर उठा के बैग में डाला था। कौन सा पेपर फ्रेडी? वही वाला सर, जिसे खोलते ही जबरदस्त बदबू फैल गई थी। ग्रेट जॉब फ्रेडी, वो पेपर कहाँ है इस वक्त? मैंने संभाल के रखा है, अभी दिखाता हूं। विवेक को मत दिखाना। ठीक है, इधर लाओ। एसीपी साहब को दे दो। एक काम करो दया, इसे घर लेके जाओ और इसके साथ में रहना जब तक ये ठीक ना हो, समझे? जैसे ठीक हो इसे बीरू लेके आना। ठीक है। परी, इसके कंप्यूटर में तो वायरस लग गया। ये लगता है वो आदमी इस पेपर पे ये सोडियम लपेट के लाया होगा। फ्रेडी ने इसे उठा के बहुत अच्छा काम किया। ये न्यूज़पेपर का एक टुकड़ा है। ये क्या, इसके ऊपर एक स्टैंप लगा हुआ है, HAN, हैंड पेपर मार्ट। ये शायद पेपर बांटने वाले का निशान है। इसके ऊपर लिखा भी है C202। बॉस, ये फ्लैट का नंबर होगा। इसका मतलब जिस अखबार से ये पेपर का टुकड़ा फाड़ा गया है वो अखबार इस फ्लैट नंबर 202 का होगा और हैंड पेपर मार्ट वाले ने इसे वहां पे डाला होगा। अभिजीत, तुम और विवेक लारारा म्यूजिक स्टोर में जाओ और हम इस हैंड पेपर मार्ट में जाते हैं। एक्सक्यूज मी। यस सर। ये आपने कुछ टिकट बेचे थे डेरा बना रॉक बैंड? हाँ सर, ये वही वाला शो है ना जो कल रात को हुआ था? सुना है वहाँ पर खून? हाँ, वही वाला शो। आपको तो सब मालूम है। सर, उसकी टिकट हमने ही दिए थे। गुड, किस किस को भेजे थे, आपको कुछ मालूम है? सर, ये मैं कैसे बता सकती हूँ। क्यों, आपने भेजे थे ना टिकट? हाँ सर, भेजे थे, लेकिन ये बताना बड़ा मुश्किल है कि वो टिकट किसने लिए थे। कुछ तो याद होगा आपको, चेहरे वगैरह कुछ? सर, यहाँ दिन भर बहुत लोग आते जाते रहते हैं। 4-5 दिन पहले यहाँ कौन सा आदमी आया और कौन सा टिकट ले गया, ये मैं कैसे बता सकती हूँ आपको? सर, यहाँ भी छुट्टी। अच्छा, एक बात बताइए, जिसने भी टिकट खरीदे थे उन्होंने कैश पैसे दिए थे या किसी ने क्रेडिट कार्ड से भी पैसे दिए? सर एक मिनट, एक आदमी था जिसने
अपना टिकट क्रेडिट कार्ड से खरीदा था। गुड, तो उसकी रिसिप्ट तो होगी ना आपके पास, जरा दिखाइए कौन था वो आदमी। जी सर, एक मिनट। ये लीजिए सर। थैंक यू। तो कॉल करो इस आदमी को और ब्यूरो में बुलवाओ इसको। एक्सक्यूज मी, जरा इस पेपर के टुकड़े को देखिए, क्या आप इसे पहचानते हैं? पेपर का टुकड़ा है जी। हाँ, एक पेपर का टुकड़ा है, लेकिन जरा ध्यान से देखिए। अरे इस पे तो कोई स्टैंप लगी है, HAN पेपर मार, हैंड पेपर मार, हैंड पेपर मार। जी हाँ, HAN हैंड पेपर मार। आप ही का है? जी मेरा तो मोहन पेपर मार्ट है। मोहन का MO गायब है, हटा हुआ, बचा है हैंड पेपर मार्ट, मोहन पेपर मार्ट। आप ही का है? जी ये पेपर तो मेरा ही है, पर आप लोग हैं कौन? लोग CID से। CID? जरा ध्यान से देखिए, इस पे C202 लिखा हुआ है, क्या बता सकते हैं कि ये फ्लैट नंबर C202 का न्यूज़पेपर आप कौन से बिल्डिंग में डालते हैं? बताता हूँ सर, एक एक। C202 चिंकारा टावर। सर ये वही आदमी है जिसके क्रेडिट कार्ड का रिसीट हमें लारारा म्यूजिक स्टोर से मिला था सर, मिस्टर राजीव। सर आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? ऑडिटोरियम से क्यों भागे थे तुम? सर मैं डर गया था। डर गए थे या? सर मैं वाकई डर गया था। एक्चुअली जब से टेररिस्ट अटैक हुए हैं सर, तो ऐसे केसेस में सबसे पहले लोग अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं। उस वक्त भी जब मिलीना को गोली लगी तो सर पूरे ऑडिटोरियम में चारों तरफ अफरा तफरी मच गई सर। मैं भी अपनी जान बचाने के लिए बाहर भागा। तुम सच बोल रहे हो ना? सर बिल्कुल सच कह रहा हूँ। और सर मिलीना के खून से मेरा कोई कनेक्शन नहीं है। पहले तुम ये बताओ, ऑडिटोरियम में तुम कौन सी सीट नंबर पे बैठे थे? सर B12। B12? सर ये तो खूनी के बिल्कुल पीछे बैठा था। खूनी? खूनी के पीछे? यस मिस्टर राजीव, खूनी के पीछे। और अगर तुम खूनी के पीछे बैठे थे तो तुमने खूनी को गोली चलाते हुए देखा होगा, या कम से कम गोली चलने की आवाज तो सुनी होगी। नहीं सर, एक्चुअली ऑडिटोरियम में इतना शोर था सर, मैं कुछ ठीक से समझ ही नहीं पाया। मतलब तुमने कुछ भी नहीं देखा? कुछ तो देखा होगा, कुछ तो। एक मिनट सर। क्या सर? मेरे आगे की सीट पे जो आदमी बैठा था उसके दाएं कान के पीछे एक टैटू था सर। टैटू? जी सर। कैसा टैटू? एक पिच्छू का टैटू था सर। पिच्छू का टैटू? गुड, वेरी गुड। थैंक यू मिस्टर राजीव, मगर शहर छोड़ के मत जाना। ओके राइट सर। यू मे गो। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। शायद इस खूनी का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड होगा हमारे पास। एक काम करो, अपने रिकॉर्ड चेक करो और देखो ऐसा कोई खूनी है जिसके राइट कान के पीछे कोई बिच्छू जैसा टैटू हो। यस सर। चेक करो। सर हमारे डेटा में ऐसा कोई भी क्रिमिनल नहीं है जिसके दाएं कान के पीछे एक बिच्छू का टैटू बना हुआ है। क्या इस फाइल में भी नहीं है? एसीपी साहब। यस सर। ओके सर, ठीक है हम लोग पहुंचते हैं सर। अभिजीत, जिसके कान पे टैटू है वही हमारा खूनी हो सकता है, किसी भी हालत में हमें उसे ढूंढना ही होगा। अब देखते हैं यहाँ पर क्या मिलता है। रूम नंबर 202। तो बंद, तोड़ो दरवाजा। ए, कौन है तू? सर
सर, मैंने सिक्योरिटी गार्ड को पैसे दिए थे वो पोडियम का टुकड़ा ऑडिटोरियम में रखवाने के लिए सर। मतलब ये सिक्योरिटी गार्ड भी शामिल था? किसने दिए थे पैसे तुम्हें? सर मनोज। मनोज? ये मनोज कौन है? वो गरवाना रॉक बैंड में पहले ड्रम्स बजाता था, उसी ने मुझे पैसे दिए थे ये सब काम करने के लिए सर। अच्छा, तो ये मनोज गरवाना रॉक बैंड में पहले मेंबर था? हाँ सर। सर यकीन मानिए मिलना के खून के साथ मेरा कोई लेना देना नहीं है सर, प्लीज। कहाँ मिलेगा मनोज? देखो वहां बैठा सर। ओए। हाँ सर। चलो मनोज चलो हमारे साथ चलो। जरा क्यों गले पड़ रहे हो यार? अच्छा मजाक कर लेते हो हा? चल रहे हो नहीं हा? वो कौन तुम लोग? सीआईडी। सीआईडी? क्या हुआ, कहाँ जा रहे हो? अरे मैं कहाँ हूँ? मैं याद दिलाता हूं, लाउंज बार, थप्पड़, ब्यूरो। कुछ याद आया या है? याद आ गया सर, सब याद है। तो फिर देर किस बात की? गाना गाना शुरू करो। कौन सा गाना? मिलीना वाला गाना। नहीं सर, मिलीना के खून में मेरा कोई हाथ नहीं है सर। झूठ! उस आदमी का नाम बता जिसके दाएं कान पर बिच्छू का टैटू है, बताओ। दाएं कान पर बिच्छू का टैटू? हाँ, वही आदमी जिसके पास तुम बैठे थे। सर आप लोग क्या बोल रहे हैं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। हम उस बिच्छू के टैटू वाले आदमी की बात कर रहे हैं जो ए रो में सीट नंबर 12 में बैठा था, समझे? सर मैं ऐसे किसी आदमी को नहीं जानता सर। तुम सीट नंबर 11 या 13 पर नहीं बैठे थे जब शो चल रहा था? नहीं सर, मैं तो ऑडिटोरियम के अंदर घुसा भी नहीं। नहीं सर, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ सर। सर मैंने उस आदमी को पैसे दिए थे ताकि वो सोडियम का टुकड़ा ऑडिटोरियम के अंदर तक ले आ सके, क्योंकि मैं डरेवाना का शो बर्बाद कर देना चाहता था। और मुझे बाद में पता चला जब मैंने टीवी न्यूज पे देखा कि वो सोडियम का टुकड़ा तो बाद में असर किया। पर तुम वो शो बर्बाद क्यों करना चाहते थे? क्योंकि मैं बदला लेना चाहता था। बदला? कैसा बदला? मैं डरेवाना बैंड में ड्रम बजाया करता था, उन्होंने मुझे निकाल दिया और उस नए ड्रमर को ले लिया, मेरा पूरा करियर तबाह कर दिया। ऐसे ही निकाल दिया? कुछ तो किया होगा तुमने। सच बोल, बोल। सर मैंने एक दिन गलती से मिलीना को छेड़ दिया था, इसलिए जोश ने मुझे ग्रुप से निकाल दिया। ओहो, तो ये बात है, इसलिए तुमने मिलीना का खून कर दिया है? नहीं सर, सर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ सर, सर मिलीना को मारने में सर मेरा कोई हाथ नहीं है सर। सर ये मनोज सरासर झूठ बोल रहा है सर। जब खून हुआ उससे थोड़ी देर पहले उसका वहाँ पे होना इस बात का सबूत है कि मिलीना के खून में उसका हाथ है सर। और दूसरी बात ये भी है सर, मनोज ने मिलीना के साथ मिसबिहेव किया था और ये बात मिलीना ने सबको बता दी थी, तो मिलीना के खिलाफ उसके दिल में कुछ तो नफरत तो है ही। हाँ, अभी छोड़ो ना, हम फिर से पूछताछ करें। हाँ सर, वो अभी भी ब्यूरो में ही है सर। जब ये कार पे टैटू वाला फ्री मिलेगा ना, तभी पता चल जाएगा कि ये मनोज सच बोल रहा है। लेकिन सर पहले वो कान पे टैटू वाला आदमी मिलना तो चाहिए। ढूंढेंगे तो जरूर मिलेगा प्रेडिक्ट, शहर में जितने भी टैटू पार्लर होते हैं सब में जाके पूछताछ करो। देखो ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने कान पे ऐसा टैटू बनवाया। आपके यहाँ पे जितने भी लोगों ने अपने दाएं कान के नीचे यहाँ पे एक बिच्छू का टैटू बनवाया है, मुझे उन सब के नाम चाहिए। देख भाई रंगीले, मैंने तुझे पहले भी कहा तेरे सारे सारे कस्टमर्स का नाम मत दे। 100-150 नामों का मैं क्या करूंगा भाई, मुझे सिर्फ उन लोगों के नाम दे जिन्होंने बिच्छू का टैटू बनवाया था। समझ गया मैं। जरा दिखाइए,
कितनी तरह के टैटूज हैं इस बिच्छू के? करीब 5 तरह के। 5 तरह के, दिखा सकती हैं? जी। आपके यहाँ कितने लोग आए थे जिन्होंने बिच्छू का टैटू बनवाया था? सर, बिच्छू के तो काफी तरीके के टैटू होते हैं और मैंने काफी लोगों के बनाए भी हैं, बट आई डोंट अंडरस्टैंड कि आप कौन से बिच्छू के टैटू की बात कर रहे हैं। चलो सब लोग एक लाइन में खड़े हो जाओ, ज्यादा शोर नहीं। चलो चलो, अब सब लोग अपने सिर बाएं तरफ घुमाओ, बाएं तरफ, टैटू देखने दो बराबर। फ्रेडरिक्स, राजीव को लेकर आओ। देखो इन सब के टैटूज, देखो और ध्यान से देखो, देखो कौन सा टैटू है जो तुम्हारे सामने A12 सीट पर बैठे हुए आदमी के कान के पीछे था। जी सर। देखो ध्यान से। राजीव दिखाओ अपना, ये नहीं सर, ये भी नहीं सर, ये नहीं। पक्का? पक्का सर, ये भी नहीं। आगे देखो। अरे आराम से, आराम से। देखो ये तो वही टैटू है सर, ये वही आदमी है जो उस दिन हॉल में मेरे आगे बैठा हुआ था। He's the one। क्यों मारा तुमने मिलिना को? कौन? मुझे उसके लिए पैसे दिए गए थे सर। पैसे किसने दिए थे? टिमी ने। टिमी? हाँ सर, टिमी और उसका साथी मोंटी मेरे आसपास बैठे थे ताकि कोई मुझे गोली चलाते हुए देख न ले। मिलेगा कहाँ ये टिमी? ये मेरा ऐप। आप म्यूजिक सिस्टम के साथ क्या कर रहे हैं? जू जूस पी। एक्सक्यूज मी सर, ठीक। ए आप वो चिकन रोल छोड़िए, छोड़िए उसको, ये मेरा है। क्या हो रहा है ये सब? कौन है आप लोग और मेरे घर में क्या कर रहे हैं आप लोग? आराम कर रहे हैं। आप लोग अंदर घुसे कैसे? टिमी नाम है ना तुम्हारा? हाँ। देखो भैया, वो ऐसा है, हम लोग CID से। CID? ये मिलिना को क्यों मारा तुमने? मिलिना? कौन मिलिना? देखो टिमी, हमें सब कुछ पता चल चुका है। हाँ? शार्प शूटर, पैसे, मिलिना, सब कुछ। देखो टीमी, जल्दी से सच सच बता दो, हम लोग चले जाएंगे। बकवास बंद कीजिए और निकलिए यहां से आप लोग, प्लीज जाइए। मिलिना और मैं कॉलेज के दिनों से एक दूसरे से प्यार करते थे, फिर एक दिन अचानक मिलिना मुंबई आ गई, उसके फोन आने भी बंद हो गए, वो मुझे अवॉइड करने लगी, फिर मैं मुंबई आया और मुझे मिलिना और जोश के बारे में पता चला। मिलिना ने जोश का रॉक ग्रुप ज्वाइन कर लिया था। वाह, लड़की का खून कर दिया और प्यार व्यार की बात कर रहे हैं। मुझे पता लगा कि मिलिना और जोश शादी कर रहे हैं, ये सुन के मेरा खून खौल गया और मैंने मिलिना का खून करने का प्लान बना लिया। मिस्टर टिमी, तुम्हें तो फांसी होकर ही रहेगी।